मात्रा और ए की मात्रा वाला शब्द है, ए की मात्रा और ए की मात्रा के शब्द तुम लोग पढ़े ही होंगे, हमेशा जोर जोर से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल प प्लस ए प्लस रा पे, स प्लस रे प्लस रा से, ये तीन लेटर मिला के दो लेटर में एक मात्रा मिला के सिर बनता है। जैसे देखो प में एक ही मात्रा डाले तो पे, त में एक ही मात्रा डाले से ते, द में एक ही मात्रा डाले तो दे, ल में एक ही मात्रा डाले तो ले। चलो मेरे साथ लेटर करो, शेर बेर जेब के घेरा फेरा रेखा देखा मेहमान मेहरबान थानेदार देवदार ठेला वाला केरा वाला केला वाला, ये सब चीजें तुम लोग सुने ही हो। अच्छा सेब जंगली जानवर का नाम है, तुमको पता है। बेर एक फल है, जंगल में एक बेर होता है। जेब पैंट के पॉकेट में, तुम मम्मी पापा के पापा के पॉकेट में जो होता है पैंट में, तुम लोग स्कूल के पैंट में पॉकेट है उसको हिंदी में हम जेब भी बोलते हैं। केक तो खाते ही हो तुम लोग। घेरा फेरा रेखा, फेरा का मतलब क्या होता है ये बताओ। फेरा किसी चीज से चारों तरफ घूमने वाले को फेरा बोलते हैं। रेखा हाथ में जो रेखा होती है, कुछ लाइन टान दो तो उसको रेखा बोलते हैं। देखा मेहमान मेहरबान, मेहरबान का मतलब क्या होता है, मेहरबान का मतलब होता है कोई किसी का कुछ हेल्प किया, खुशी खुशी कोई किसी कुछ हेल्प करता है तो उसको मेहरबान बोलते हैं। थानेदार देवदार ठेला वाला बीकानेर पेरा वाला केला वाला। चलो आगे चलते हैं। ए की मात्रा, ये तो हम लोग ए की मात्रा पढ़े, अब ए की मात्रा पढ़ेंगे। प प्लस ए की मात्रा प्लस र पैर, न प्लस ए की मात्रा प्लस यार नया, नया मतलब क्या होता है। यहाँ पे तुम लोग पिक्चर देख रहे हो बुक्स पे, ये नाव है लेकिन इसको हम लोग नाव बोलते हैं, बहुत लोग इसको नया भी बोलते हैं नया। ऐसे देखो प में ए की मात्रा लगाओगे तो क्या होगा, पै। त में ए की मात्रा तय, द में ए की मात्रा दय, ल में ए की मात्रा लय। अच्छा दया नय ए की मात्रा वाले शब्द है, चलो मेरे साथ पढ़ोगे जोर से। नैन चैन तैर खैर बैर शैर थैला मैला, पैदल फैसला चिड़ैया खपरैल, बैलगाड़ी नैनीताल वैज्ञानिक फैजाबाद। एक बार फिर मेरे से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। नैन मतलब, नैन का मतलब होता है ना आँख, नैन का मतलब होता है आँख, जो कि बहुत लोग नैन भी बोलते हैं। चैन मम्मी जो बोलती तुमसे मैं परेशान हो गई, तुम लोग बहुत परेशान मेरे को, तो चैन वही उसको चैन बोलते हैं, चैन से रहने दो मेरे को। तैर जो हम लोग नदी में तैरते हैं उसको तैर भी बोलते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, इस तरह जो हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं ना कि चलो चलो कोई बात नहीं, तुम करो फिर से करो ट्राई करो, खैर कोई बात नहीं। बैर किसी से किसी का दुश्मनी होना, सैर घूमने जाना, थैला पापा जो सब्जी मंडी जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं ना उसको थैला बोलते हैं। मैला, मैला तुम लोगों को पता ही होगा। पैदल फैसला, जो हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय करते हैं कि हमको ये काम करना है तो उसको हम फैसला बोलते हैं। चिड़ैया, चिड़ैया का मतलब क्या होता है ये किसी को पता है, चिड़ैया का मतलब होता है पक्षी, यहाँ चिड़ैया का मतलब पक्षी भी होता है। खपरैल गांव जाते हो तो खपरैल का घर देखे हो, छत्ता पे बहुत लोग घर में छत्ता पे खपरैल होता है। बैलगाड़ी, नैनीताल एक जगह का नाम है। वैज्ञानिक जिसको तुम लोग साइंटिस्ट बोलते हो इंग्लिश में। फैजाबाद एक भी जगह का नाम है। की गया काली है, चेतन बेलापुर का थानेदार है, वह सैलजा का भैया है, उसने नदी किनारे एक डाकू पकड़ा, उसके साथ महेश सुरेश रेखा व केतन भी थे, रेशमा ने करवा करेला खाया, भैरव ने डकैत देखा, वह खपरेल की छत पर चढ़ गया, ठेला वाला फैजाबाद जाकर लालटेन ले आया। एक बार फिर से मेरे साथ रीड करो। सैलजा की गया काली है, तुम लोग काऊ
काउ मीन्स क्या होता है, गाय जानते हो, पर गाँव गाय को गैया भी बहुत लोग बोलता है। तो सलजा की गैया जो है काली है। चेतन जो है एक लड़की का नाम है। बेलपुर बेलापुर का थानेदार है, वह एक पुलिस है जो थानेदार, जो हम लोग हिंदी में पुलिस इंग्लिश में पुलिस बोलते हो, पर हिंदी में उसको थानेदार बोला जाता है। तो वो एक बेलपुर नामक जगह का थानेदार है। वह शैलजा का भैया है। शैलजा उसकी बहन का नाम है। उसने नदी किनारे एक डाकू पकड़ा, उसने एक डाकू, चेतन जो था वो जो डाकू को पकड़ा, उसके साथ महेश सुरेश रेखा व केतन भी थे। उसके साथ मीन्स क्या हुआ, किसके साथ, चेतन के साथ महेश सुरेश रेखा व केतन भी थे। रेशमा ने कड़वा करेला खाया। रेशमा जो करेला, कभी तो मीठा सुने हो क्या, नहीं सुने, करेला तो हमेशा कड़वा होता है। रेशमा ने कड़वा करेला खाया। भैरव ने डकैत देखा, भैरव ने डकैत देखा, वह खपरेल की छत पर जाकर बैठ गया। भैरव जैसे ही भैरव डकैत देखा, वह खपरेल की छत पर जाके बैठ गया। खपरेल का छत, गांव में एक खपरेल का छत दिखता है, ठीक है। ठेला वाला फैजाबाद जाकर लालटेन ले गया। ठेला वाला फैजाबाद गया, वहां से एक लालटेन ले गया। चलो नेक्स्ट बुक वर्क करना है आप लोग को।